हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियर लीग के मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा लिवरपूल वर्सेस वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच। मैच का वेन्यू होगा एनफील्ड लिवरपूल। किक ऑफ होगा रात में 12 AM पे। तो बात की जाए लिवरपूल की, आप जानते होंगे प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट क्लब है, बट ये वाला सीजन अभी तक लिवरपूल का बहुत अच्छा नहीं गया है। बट लास्ट दो तीन मैचेस से लिवरपूल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। आई थिंक धीरे धीरे वापस ही अपने बेस्ट पे आते जा रही है। इनका मैच है वेस्ट हैम यूनाइटेड से। वेस्ट हैम यूनाइटेड ने लास्ट सीजन 7th place फिनिश की थी। इस सीजन भी इनसे यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये टॉप 8 के अंदर फिनिश कर लेंगे, लेकिन अभी तक वेस्ट हैम ने भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं किया। बट लिवरपूल की तरह ही लास्ट कुछ मैचेस इनके भी अच्छे गए और पॉजिटिव साइंस जो है यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस मैच में लिवरपूल अपने घर में खेल लिया है और ऑल दो लिवरपूल अपने कुछ मेन प्लेयर्स के बिना यहाँ पे खेलेगी, लेकिन अपने घर में लिवरपूल ही यहाँ पे फेवरेट टीम होने वाली है। इस सीजन जैसा भी लिवरपूल का परफॉर्मेंस रहा, लेकिन जो भी मैचेस उन्होंने अपने होम में एनफील्ड में खेले हैं 5 मैचेस, उनमें वो एक भी मैच नहीं आ रहे हैं। जितने भी मैचेस उन्होंने गंवाए हैं वो सब अवे फ्रॉम होम गंवाए हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट हैम पूरी तरह से केपेबल है इनको ड्रॉ में रोकने में। इनफैक्ट ये इनको यहाँ पे हराते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़ा सरप्राइज तो नहीं होगा, बट स्टिल एनफील्ड में लिवरपूल बहुत ज़्यादा अच्छा खेलती है। इस वजह से अभी के लिए जो मैं यहाँ पे लिवरपूल को बैक करके अपनी टीम बनाऊंगा स्मॉल लीग में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंट में, वहाँ से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 4600 के आसपास सब सॉलो चैनल आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से। अब मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट्स टेबल। तो फिलहाल आप देखिए लिवरपूल अभी 8th पोजीशन में, ऑल दो इन्होंने और जो अपने टॉप अपोनेंट्स हैं राइवल्स हैं उनसे एक एक मैच कम खेला है, बट स्टिल ये 9 में सिर्फ 3 ही मैच जीते हैं सीजन अभी तक। 4 ड्रॉस 2 लॉसेस हैं, अच्छे 21 गोल मारे हैं बट 12 गोल कंसीड कर दिए और 13 इनके पॉइंट है। अब लिवरपूल नहीं चाहेगी कि वो यहाँ से जितने भी मैचेस हैं उनमें पॉइंट्स ड्रॉप करे, क्योंकि जितने वो पॉइंट्स ड्रॉप करेगी उतना वो टॉप 4 की रेस से बाहर होते जाएंगे। इस वजह से यहाँ से सारे मैचेस लिवरपूल के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वेस्ट हैम आप देखिए 13th पोजीशन में, 10 में 3 मैच ये भी जीते हैं, 2 ड्रॉस 5 लॉसेस हैं, 9 गोल स्कोर किए, 11 गोल कंसीड किए और 11 इनके पॉइंट है। अब मैं आपको दोनों टीम्स का लास्ट मैच दिखाता हूँ। तो जो वेस्ट हैम ने अपना लास्ट मैच खेला है उन्होंने एक 1-1 का ड्रॉ खेला है साउथहैम्पटन से। डेक्लेन राइस का गोल आया था, बेनरामा का असिस्ट था, लेकिन लिवरपूल ने अपने लास्ट मैच में सभी को सरप्राइज कर दिया। उन्होंने अपने आर्च राइवल मैन सिटी को 1-0 नैरो मार्जिन से हरा दिया और ये मैच वो क्लीन शीट से जीते हैं। अब आप देखिए इस मैच में सब यही सोच रहे थे सिटी फेवरेट है, क्योंकि सिटी बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में थी, लिवरपूल पूरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म थी। इसके अलावा लिवरपूल के 3 मेन डिफेंडर इस मैच में बाहर थे, कोनाटे, मेटिव और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, और लिवरपूल अपने डिफेंस में खाली एक तरीके से वेंडाई की मेन डिफेंडर थे, रॉबर्टसन इंजरी से कमबैक कर रहे थे, बाकी मेकशिप मिलनर खेले थे और गोमेज जो रेयरली स्टार्ट करते हैं उनको मौका मिला था। सब ये सोच रहे थे सिटी कहीं ना कहीं 2-3 गोल निकाल के मैच जीत जाएगी, लेकिन लिवरपूल ने इतना इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया उस मेकशिप डिफेंस की वजह से भी 1-0 के मार्जिन से लिवरपूल जीत गई। तो ये जो विक्ट्री है ना बहुत ज़्यादा मोरल बूस्टिंग विक्ट्री रही होगी लिवरपूल के लिए। तो बाकी अब इस मैच की बात करें, फिर से लिवरपूल अपने घर में है तो यहाँ पे फेवरेट लिवरपूल होगी। तो अभी के लिए स्मॉल लीग में जो है हम लिवरपूल को ही बैक करके अपनी टीम बनाने वाले हैं। तो डायरेक्ट मैं प्रोबेबल लाइन पे आता हूँ। पहले बात लिवरपूल की करते हैं तो ये फेवरेट है। अभी मैं इनके मैक्सिमम प्लेयर पिक करूँगा, यानी कि मैं 7 प्लेयर स्मॉल लीग में लिवरपूल के ही पिक करने वाला हूँ। तो इंजरी लिस्ट जो है लिवरपूल की बढ़ती जा रही है। आप देखिए आर्थर, कोनाटे, लुइस डियाज, मेटिव और कीटा पहले से बाहर थे, अब डियागो जोटा भी बाहर हो गए। तो 2 मेन अटैकिंग प्लेयर तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, जोटा और डियाज। इसके साथ ही 2 मेन डिफेंडर भी आज बाहर हैं, मेटिव और कोनाटे। तो लिवरपूल कहीं ना कहीं फुल स्ट्रेंथ तो नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे फेवरेट रहेगी। तो इनकी प्रोबेबल 11 देखते हैं। एलिसन बेकर इनके गोलकीपर होंगे, 4 इनके डिफेंडर होंगे, अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जो इंजरी से कमबैक कर रहे हैं, गोमेज, वेन डाइक और एंडी रॉबर्टसन। अब आज क्या है ना, लिवरपूल के लाइनअप प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी बैक टू बैक इनको मैचेस खेलना है। अभी वीकेंड में खेला, आज मिडवीक में खेलना है, फिर वीकेंड में सैटरडे को नॉटिंगम फॉरेस्ट के अगेंस्ट खेलना है। तो ऐसा हो सकता है कुछ चेंजेस हो जाए, अगर चेंजेस नहीं भी होते ना मे भी ऐसा हो सकता है कुछ प्लेयर रैंडम सब्स्टिट्यूट हो जाए, क्योंकि प्लेयर्स लोगों को देखना इतने सारे मैचेस एक साथ नहीं खेल सकते, कहीं ना कहीं थकावट होती है, इस वजह से उनके जो है मिनट्स लिमिटेड किए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ज़ूम करो ये बैकलाइन होगी। तो अभी मैं चारों ही डिफेंडर को पिक करके चल रहा हूँ, बिकॉज लिवरपूल अपने घर में खेल लिया और रिसेंटली डिफेंसिव वाइज थोड़े बहुत सॉलिड हुए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लीन शीट आ सकती है। तो अभी के लिए मैं अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, वेन डाइक, रॉबर्टसन, गोमेज इन चारों ही डिफेंडर को पिक करके चल रहा हूँ। बट अगर आपको एक या दो अटैकिंग प्लेयर लेना है तब भी आप 3 लिवरपूल के डिफेंडर श्योरली पिक कर लेना। उस केस में आपको लग रहा है अगर
वेस्टहैम अच्छा करेगी तो एक या दो डिफेंडर आप वेस्टहैम के भी पिक करके चल सकते हैं। अगर आपको इनके डिफेंस में इस बैकलाइन में किसी एक डिफेंडर को ड्रॉप करना है, आप गोमेज को ड्रॉप करके बाकी तीनों को पिक कर सकते हैं। अलेक्जेंडर आर्नोल्ड आप जानते हैं कॉर्नर किक फ्री किक लेते हैं, अटैकिंग वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये स्मॉल लीग में भी वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शन नहीं है। बट इनका ये शॉर्टी नहीं है कितना फिट है, क्योंकि इंजरी से कमबैक करे, हो सकता है इनके मिनट्स कहीं ना कहीं सेव किए जाए। ऐसा हो सकता है जो स्टार्ट ही ना मिले, अगर इनको स्टार्ट नहीं मिलता मिलनर खेलेंगे, अगर स्टार्ट मिलता भी है जल्दी सब्स्टिट्यूट होने का चांस है। बाकी मैंने बता दिया, अभी के लिए मैं चारों डिफेंडर पिक कर रहा हूं, आपको किसी एक को ड्रॉप करना है आप गोमेज को ड्रॉप कर सकते हैं। अब मिडफील्ड में रूमर सारे हैंडरसन, फाबिनियो और थियागो खेलेंगे, बट रिसेंटली लिवरपूल क्या कर दिए, 4-2-3-1 खिला रही है, तो ऐसे में ऐसा हो सकता है ना फिर से हैंडरसन को मौका ना मिले, दो मिडफील्डर फाबिनियो और थियागो ही रहे, वही रॉबर्टो फिर्मिनो अटैकिंग मिडफील्ड में आ जाए, दो वाइट प्लेयर रहे करवालियो और मो साला, और यहाँ पे उस केस में अगर हैंडरसन बैठते हैं तो डार्विन नूनेज एज अ सेंटर फॉरवर्ड आ सकते हैं, ये एक चेंज हो सकता है। या दूसरा चेंज हो सकता है, करवालियो जो लेफ्ट विंग में स्टार्ट कर सकते हैं उनके प्लेस में नूनेज अंदर आ जाए। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये 11 होगी। मैं अभी के लिए हैंडरसन फाबिनियो दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ, दोनों का इस सीजन अप टू द मार्क नहीं किया और दोनों ने अभी तक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। फिलहाल के लिए मैं थियागो अल्कांटारा को शोली भी करूँगा, ऑल्दो इनका भी जल्दी सब्स्टिट्यूट होने का चांस है, बट स्टिल ये वो प्लेयर है जो विदाउट गोल असिस्ट आपको गारंटीड 20-30 सेव पॉइंट्स देता ही है। तो फिलहाल के लिए मैं थियागो अल्कांटारा को मिडफील्ड में शोली पिक करने वाला हूँ, क्योंकि करवालियो पे भी मुझे उतना ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अगर गोल असिस्ट आ गया ठीक है, विदाउट गोल असिस्ट करवालियो पे भी ज़्यादा पॉइंट नहीं देगा, इस वजह से मैं थियागो अल्कांटारा के साथ जा रहा हूँ। बाकी आपको मिडफील्ड में पढ़ लेना है तो करवालियों पे पढ़ लिया जा सकता है, या हैंडरसन के प्लेस में हार्वी एलियट खेलते हैं उन पे पढ़ लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों को इग्नोर किया है। फॉरवर्ड में मैं मो साला जो वापस फॉर्म में आ गए इनको शोली पिक करूंगा, और रॉबर्टो फिर्मिनो जो इस सीजन बहुत ज़्यादा अच्छी फॉर्म में, इन दोनों को मैं शोली पिक करके चल रहा हूँ। इनफैक्ट साला फॉर्म में आ गए, वो हैट्रिक मारी थी रेंजर्स के अगेंस्ट, उसके बाद सिटी के अगेंस्ट विनर भी इन्होंने मारा, तो आई थिंक वापस बेस्ट पे आते जा रहे हैं, तो फिलहाल इस मैच में कैप्टनसी के सेव ऑप्शन रहेंगे। और फिर्मिनो जिस तरह की फॉर्म में इस सीजन आई थिंक ये टॉप स्कोरर है लिवरपूल के, 6 गोल के साथ 3 असिस्ट भी है, तो ये वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। तो फॉरवर्ड में साला और फिर्मिनो दोनों मस्ट पिक रहने वाले हैं। एक प्लेयर और अगर स्टार्ट करता है डार्विन नूनेज, तो मैं उनको भी पिक करूंगा, लेकिन अगर वो स्टार्ट ना करे तभी हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि अगर हम नूनेज फिर्मिनो साला दोनों को पिक कर देंगे ना, तो हमें वेस्ट हैम से बावेन को भी ड्रॉप करना पड़ेगा, जो मेरे अकॉर्डिंग वेस्ट हैम का बेस्ट अटैकिंग प्लेयर है। इस वजह से अगर ये खाली साला और फिर्मिनो स्टार्ट करते हैं तब हमारे लिए बेटर है, अगर नूनेज भी स्टार्ट करते हैं फिर कहीं ना कहीं सरदर्द बढ़ जाएगा, क्योंकि फिर हो सकता है या तो हमें नूनेज सेक्रीफाइस करना पड़े या हमें जारेट बावेन को सेक्रीफाइस करना पड़े। तो ये लिवरपूल की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहाँ से आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी। अभी मैं इन चारों डिफेंडर को पिक कर रहा हूँ, मैं फॉरवर्ड में साला फिर्मिनो को पिक कर रहा हूँ, और मैं मिडफील्ड में थियागो अल्कांटारा के साथ जा रहा हूँ। बाकी करवालियो आपके लिए ऑप्शन है, इलियट या नूनेज खेलते हैं वो भी आपके लिए ऑप्शन है। फिलहाल पेनल्टी साले लेंगे, और ये मैंने इस सीजन के स्टैट लिखे हैं लिवरपूल के। अपोनेंट की बात करने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड दिला रहा हूँ, इस मैच की फाइनल टीम फाइनल अपडेट्स के लिए आपको ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंट में, वहां से जुड़ के आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, 4600 के आसपास सबसे वाला चैनल आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपोनेंट वेस्ट हैम की, तो इनके लिए कॉर्नेट, एग्वार्ड और डॉसन इस मैच में बाहर हैं, तो इनकी प्रोबेबल 11 देखते हैं। सॉरी मैंने गलती से एडरसन लिख दिया, यहाँ पे खेलेंगे फेबियंस की, हाँ मैंने चेंज कर लिया, फेबियंस की इनके गोलकीपर होने वाले हैं। 3 इन द बैक में खेलेंगे कहरर, जुमा और क्रेसवेल इनके 3 सेंटर बैक, इसके अलावा सुफाल और एमरसन पालमेरी इनके 2 विंग बैक्स होंगे, और ये 5 प्लेयर आपको मिल जाएंगे फैंटेसी प्लेटफॉर्म में डिफेंस सेक्शन में। अब कहीं कहीं पे मैं पढ़ रहा था ना, ऐसा आ रहा है कि क्रेसवेल को रेस्ट मिल सकता है, इस प्लेस में बेन जॉनसन अंदर आ सकते हैं, बट फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ यही बैकलाइन होगी। अभी मैं मैक्सिमम डिफेंडर लिवरपूल के पिक कर रहा हूँ, बट स्टिल आप चाहे तो एक डिफेंडर वेस्ट हैम का भी ले आ सकते हैं, वैसे मैंने पिक तो नहीं किया है, बट आपके लिए क्रेसवेल, एमरसन पेलवेरी और सुफाल ये 3 अच्छे ऑप्शन हैं। फिलहाल सबसे नंबर 1 चॉइस मेरी क्रेसवेल रहेंगे, ये कॉर्नर किक लेते हैं, फ्री किक लेते हैं, अटैकिंग डिफेंस अच्छे हैं, ऑल्दो एमरसन पेलवेरी ज़्यादा अटैक करेंगे लेकिन इनके मिनट्स एश्योर नहीं है, रिसेंटली कभी कभी डेविड मॉयेस को 60 मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाकी सुफाल भी डिफेंसिव ऑफेंसिव वाइज ठीक ठाक है, तो मे बी आपको किसी एक डिफेंडर को चूज करना है, इन तीनों में किसी एक के साथ जा सकते हैं। फिलहाल मेरी नंबर 1 चॉइस रहेंगे क्रेसवेल, बाकी कहरर जुमा दोनों हेडर में तो सॉलिड है, वैसे मैंने पिक नहीं किया। मैं मिडफील्ड में डेक्लेन राइस को शोली पिक करूंगा, ये भी वो प्लेयर है जो विदाउट गोल असिस्ट 20-30 आपको गारंटीड सेव पॉइंट देता ही देता है, और पिछले मैच में एक रैंडम गोल भी मारा, ऑल्दो आप हर मैच में राइस से गोल असिस्ट एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, बट विदाउट गोल असिस्ट ये अच्छे पॉइंट दे सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं राइस को पिक करके चल रहा हूँ। अभी मैंने पकेटा को भी पिक किया है, धीरे धीरे अपने बेस्ट पे आते जा रहे हैं, जिस वजह से इनको वेस्ट हैम ने इतने बिग मनी मूव में साइन किया था, बट स्टिल विदाउट गोल असिस्ट पकेटा भी ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे, लेकिन ये
इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेयर है जो ब्राजीलियन नेशनल टीम में भी काफी टाइम से खेला, बहुत बड़ा नाम है ये बंदा, कभी भी गोल असिस्ट कर सकता है इंडिविजुअली। तो फिलहाल मैंने पकेटा को पिक किया है, लेकिन अगर आप श्योर है बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाएंगे, अभी तक ठीक ठाक ही किया, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं किया जितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो आप सिंपली पकेटा हटा के यहाँ पे थॉमस सुचेक को पिक करके चल सकते हैं, जो विदाउट गोल असिस्ट आपको 20-25 पॉइंट ये भी दे सकते हैं अपनी डिफेंसिव एबिलिटी से, और ये कभी कभी रैंडम हेडेड गोल भी स्कोर कर देते हैं। तो पकेटा वर्सेस सुचेक आप अपना कॉल लेना, फिलहाल मैं पकेटा के साथ ही गया हूँ। फॉरवर्ड में आपको बावन मिलेंगे, उनके साथ मिलेंगे एंटोनियो। अगर एंटोनियो स्टार्ट नहीं करते, इसका माका स्टार्ट करेंगे जो बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इन दोनों में हम किसी एक को भी पिक कर पाएंगे, क्योंकि साला फिरमिनो में ऑलरेडी पिक कर रहा हूँ, तो एक ही स्पॉट बच रहा है। फिलहाल मैं एंटोनियो बहुत इनकंसिस्टेंट है, इनको इग्नोर कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं बावन के साथ गया हूँ, जो रिसेंटली धीरे धीरे वापस बेस्ट पे आते जा रहे हैं, और जो लास्ट पेनल्टी हुई थी वो भी बावन ने ली थी, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर लेंगेरी नहीं खेलते हैं बावन ही इनके पेनल्टी टेकर भी होंगे, इस वजह से मैं बावन को यहाँ पे श्योरली पिक करके चल रहा हूँ। अगर डार्विन नूनियज भी स्टार्ट कर देना साला और फिरमिनो के साथ, तो फिर आप अपना कॉल लेना बावन वर्सेस नूनियज में, वहाँ पे एक प्रॉपर 50-50 कॉल हो जाएगा। आई थिंक मैं फिर नूनियज को ऊपर प्रेफर करूंगा बावन से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है लिवरपूल एक और क्लीन शीट अपने घर में रख सकती है, तो ये वाला कॉल आप अपने अकॉर्डिंग लेना। फिलहाल ये वेस्ट हैम यूनाइटेड की प्रोबेबल 11 थी, लगभग सभी चीज़ें मैंने यहां से भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, बाकी ये मैंने वेस्ट हैम के सीएन के स्टैट लिखे हैं। अभी जो मेरी प्रिडिक्शन रहेगी इस मैच की, मैं एक 2-0 लिवरपूल विक्ट्री के साथ जा रहा हूं, दूसरी मेरी एक 2-1 है, बट अगर ये 1-1 ड्रॉ होता है या अगर वेस्ट हैम 2-1 से जीत जाती है, बहुत बड़ा मुझे सरप्राइज नहीं होने वाला। तो फिलहाल के लिए ये मेरी डेमो ऑफ टीम है। गोलकीपर मैंने फेवियांस की वेस्ट हैम के लिए, मैंने लिवरपूल के अभी के लिए चारों डिफेंडर पिक कर लिए हैं। अगर आपको किसी एक डिफेंडर को सेक्रीफाइस करना है, आप जो गोमेज को सेक्रीफाइस करके एक एक्स्ट्रा मिडफील्डर जो कि हो सकता है फाबियो करवालियो या हार्वी लेट खेलते हैं उनमें किसी को पिक कर सकते हैं। बाकी मैंने मिडफील्ड में थियागो अल्कांटारा लिए, या मैंने राइस और पकेटा लिए, आपको लग रहा पकेटा फ्लॉप जाएंगे, सिंपली आप इनको हटाइए और मिडफील्ड में आप थॉमस सुचेक को पिक करके चले जाइए। फॉरवर्ड में मैंने बावन लिए, मैंने मो साला को पिक करके कैप्टन की, और रॉबर्टो फिरमिनो लिए। अगर नूनियज खेलते ना, तो फिर ऐसा हो सकता है मैं गोमेज को ड्रॉप करके यहाँ पे बावन वाले प्लेस में नूनियज पिक कर लूँ, उस केस में मैं बावन के प्लेस में मिडफील्ड में सूचक के साथ चले जाऊँगा, या मेरे पास डिफेंस में क्रेसवेल को पिक करने का ऑप्शन होगा। फिलहाल सेफ कैप्टन साला ही रहेंगे, वाइस कैप्टनसी में अभी सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे फिरमिनो, बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन डिफेंस में ट्रेंट अगर स्टार्ट करते हैं एनी डे वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर डार्विन नूनियज खेलते हैं पॉइंट टेकर है, तो आप उनको भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये मेरी डेमो ऑफ टीम थी। मेरी अपडेटेड फाइनल टीम के लिए आपको ज्वाइन करना है हमारे टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या टॉप पिन कमेंट में, जरूर से जरूर ज्वाइन